डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो पार्ट वन है उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इस क्वेश्चन में इनिशियल 2 kg मीटर स्क्वायर और रोटेशनल स्पीड क्वेश्चन में गिवन थी 30 रेडियन रोटेशन पर मिनट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फाइंड टाइम वैल्यू आफ्टर विच दिस हैज सेम रोटेशन एनर्जी हैज इनिशियल। और तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो रोटेशनल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट, आई इनिशियल कांस्टेंट, ओमेगा। अब यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी अगर सेम है तो इनिशियल और फाइनल ओमेगा दोनों सेम होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमें निकालना है वो टाइम जबकि सेम रोटेशनल स्पीड होगी लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन में पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो हमें वो टाइम निकालना है जब फाइनल एंगुलर स्पीड इनिशियल एंगुलर स्पीड के बराबर हो जाए। तो अगर हम पैरामीटर सेलेक्ट करें विद डायरेक्शन तो ओमेगा इनिशियल जो कि वेक्टर फॉर्म में है कितना है 30 रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन में 2π 30 रोटेशन पर मिनट, पर मिनट मीन 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, इसलिए इसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव पाई रेडियन पर सेकेंड। तो फिर फाइनल स्पीड क्योंकि एनर्जी इक्वल है तो फाइनल एंगुलर स्पीड भी सेम हो, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रोटेट कर रही होगी उस समय अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लेंगे पॉजिटिव पाई रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो भी पॉजिटिव हुआ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है मोशन इक्वेशन से, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, और ये वेक्टर इक्वेशन है तो विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉजिटिव पाई नेगेटिव पाई प्लस पाई टी, तो 2π इक्वल्स टू पाई टी, तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इस ढंग से ये अप्लाई करना है इक्वेशन से, तो इसका आंसर इस ढंग से। आज हमको न्यू टॉपिक डिस्कस करना है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि हम इनर्शिया एक इम्पॉर्टेंट इसमें प्रॉब्लम बनती है और मेन प्रॉब्लम होती है और रिपीटेड है इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तो आज हम बात करेंगे इनर्शिया की। तो अगर मैं इस पैन को अगर ऐसे रोटेट करता हूं एक बार और एक बार ऐसे, तो मैंने हम देखेंगे कि इन दोनों में जो एफर्ट है रोटेशनल में वो अलग अलग है। रोटेशनल एफर्ट अलग अलग है, इसका मतलब रोटेशन में इनर्शिया जो है बॉडी का, वो अगर हम इसको अलग अलग एक्सिस पर घुमाते हैं तो वो अलग अलग होता है या उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो इसलिए जो इनर्शिया बिहेवियर रोटेशन में है दैट इज डिफाइंड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डिपेंड करता है पोजीशन पे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम MIRI स्क्वायर, और ये जो R है ये डिपेंड करेगा
अलग अलग पोजीशन में है और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन किसी बॉडी के लिए इसको जब डिफाइन कर रहे होते हैं हम तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ के रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और ये जो इनर्शिया है ये बाई इक्विपमेंट्स कैलकुलेट होता है प्रैक्टिकली पुली गियर्स के लिए इन डायनेमिक कंडीशन। और एम होता है मास ऑफ बॉडी और के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। और मैथमेटिकल मीनिंग हुआ इसका रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे मैंने कहा ये इक्विपमेंट से प्रैक्टिकली इक्विपमेंट से कैलकुलेट करा जाता है। और मैथमेटिकल मीनिंग होता है इसका कि अगर डिफरेंट पार्टिकल्स की आर वन आर टू ये डिस्टेंसेज है अप टू आर एन स्क्वायर ओवर नंबर, यानी कि और आर वन आर टू के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर ये पहले हमने स्क्वायर किया, पहले स्क्वायर किया है फिर मीन लिया है और फाइनली हमने रूट कैलकुलेट करा। तो इनर्शिया को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जो सिमेट्रिकल फिगर्स हैं रिजिड बॉडीज हैं तो उसमें अगर पॉइंट मासेस होंगे तो ये रिलेशन यूज करेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। डीएम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ एलिमेंट और आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ, बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आज हम लोगों का एम है कि हम इस रिलेशन को कैसे अप्लाई करना है और इसमें कैसे प्रॉब्लम बनती है। तो हम दो प्रॉब्लम इसके एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम प्रॉब्लम ले रहे हैं कि एक रिजिड रॉड है और वो इस एक्सिस से के अबाउट रोटेट कर रही है और इस एक्सिस से उसका एंगल है थीटा। मास ऑफ रॉड हम एज्यूम कर रहे हैं एम लेंथ एल। अब ये कंटिन्यूस बॉडी क्या रिलेशन यूज होगा डीएम आर स्क्वायर, लेकिन डीएम क्या है मास ऑफ एलिमेंट और ये लीनियर ऑब्जेक्ट। तो लीनियर ऑब्जेक्ट में हमने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट का साइज है डी एम और इसका साइज है डी एक्स। तो इस डी एक्स एलिमेंट का क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो हम कह सकते हैं एल लेंथ मास एम, तो वन यूनिट मास एम बाई एल। तो डी एक्स लेंथ मास क्या हो जाएगा एम बाई एल डी एक्स, ये क्या हो गया डी एम। फिर हमें क्या लेना है, हमें लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अगर मैं उसको वाई ले लू
तो इसकी तब हम क्या लिख पाएंगे, I इक्वल्स टू डी एम इंटू वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई डी एम की, एम बाई एल डी एक्स। तो x यहां पे वेरिएबल डी एक्स, तो इसका मतलब y को भी हमें किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, x के टर्म में, क्योंकि जैसे जैसे x चेंज होगा y भी वेरी करेगा, तो y वेरिएबल है, तो y को किसके टर्म में लिखें, x के टर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है y ओवर x परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस दैट इज sin थीटा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x sin थीटा। तो अब हम y की जगह लिख सकते हैं x sin थीटा स्क्वायर। जब ये हमने dm मेंशन कर लिया, r मेंशन कर लिया और ये वैल्यूज कर ली, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं i इक्वल्स टू m by l sin स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx। लेकिन x की लिमिट क्या है, x जीरो से स्टार्ट हो रहा है अप टू l लेंथ, तो जीरो टू l, तो क्या बनेगा, m by l sin स्क्वायर थीटा और इंटीग्रेशन x क्यूब बाई थ्री लिमिट जीरो टू l, तो m by l sin स्क्वायर थीटा इंटू l क्यूब by 3 और I equals to final result क्या मिलेगा, m l square by 3 sin square। तो इस तरह से rigid bodies में integration से आप result calculate कर सकते हो। तो ये example था rod जो कि axis of rotation से theta। इसी तरह बाकी बॉडीज का भी हम निकाल सकते हैं, जैसे इसमें एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर एक कंसेंट्रिक हॉलो डिस्क, कंसेंट्रिक हॉलो डिस्क ऑफ रेडियस आर बने आर टू, इसका मास है m, और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट z एक्सिस। तो ये जो डिस्क है इसका इनर्शिया कैसे करना है, तो बेसिक अप्रोच जो है वो सेम है, क्या थी कि इनर्शिया की वैल्यू क्या होती थी, dm आर स्क्वायर, डी एम था मास ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम यहां पे देखें कि डिस्क में जो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं हम, वो एक रिंग एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे, और इस रिंग एलिमेंट की डिस्टेंस है एक्स और थिकनेस है इस एलिमेंट की dx, और ये तुमको ये जो रिंग है ये बिल्कुल जैसे इमेजिन करना है कि सलाद के लिए हमने सलाद के लिए प्याज कट कर रखा है और उसमें जो रिंग सी दिख रही है उस तरह से ये एलिमेंट सेलेक्ट करा हुआ है। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं तो कि I equals to dm x square, dm mass of element, लेकिन यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास डिस्क का एरिया है पाई r2 square minus r1 square, इसका मास कितना गिवन है m, तो 1 यूनिट मास कितना हो जाएगा m over पाई r2 square minus r1 square। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आता है
कि यहाँ पर इस ये एरिया है तो एलिमेंट का भी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया। तो इस सलाद वाले रिंग को हमने ऐसे खींच के रखा तो ये हमको ऐसे सीधा दिख रहा है और इसकी लेंथ कितनी दिख रही है 2πx और थिकनेस कितनी है dx। तो इसका एरिया कितना होगा 2πx dx। तो हमें 1 यूनिट का मास अवेलेबल है और तो इस एरिया का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो dm की वैल्यू कितनी होगी m ओवर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू एलिमेंट एरिया। एलिमेंट एरिया कितना है 2 पाई x dx, पाई से पाई x। तो हम कैलकुलेट कर पाए 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर x dx, ये किसकी वैल्यू हो गई dn की। और रिलेशन क्या है dn x स्क्वायर। तो अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें फाइनल रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने इस रिलेशन में dn को सब्स्टिट्यूट किया। तो जब हम dn को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i हो जाएगा 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर x dx, लेकिन x dx और एक x स्क्वायर तो ये कितना मिलेगा हमें x क्यूब dx। लेकिन यहां पर मटेरियल कहां से शुरू हो रहा था r1 टू r2, तो लिमिट करेंगे r1 टू r2। तो आफ्टर इंटीग्रेशन 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और यहां पे मिला x टू द पावर 4 ओवर 4 लिमिट r1 टू r2, यानी 2m 4 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू r2 4 माइनस r1 4। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये m by 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और इसको a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। तो फाइनल रिजल्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि I इक्वल्स टू m by 2 r2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, क्योंकि माइनस टर्म कैंसिल हो गया। तो इस तरह से इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं और इसी कंटिन्यूएशन में थ्योरम्स करने के बाद हम ये कैसा था, इसमें हॉलो पोर्शन था सेंटर पे, लेकिन अगर डिस्क के एक पोर्शन पे होल हो इस टेंशन या आर एम मास और यहां पर एक कैविटी या होल ऑफ रेडियस r by 2 अवेलेबल हो तो इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, गुड लक।